हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो मैं क्लास टेंथ के बच्चों के लिए बना रहा हूं। जो सब्जेक्ट है वो मैथ और जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग कुछ प्रूफ्स करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर को हम लोगों को दिखाना है कि ये 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ले लेते भैया LHS वाला जो वैल्यू है, राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए, हम लोगों को कुछ तो सोचना पड़ेगा, इसको हम लोग कहीं तोड़ सकते हैं कुछ, या तो इसको हम लोग सोचेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इस तरह से इसको खोल दे, ओपन कर दे, वो सोचेंगे। या फिर यहाँ पे हम लोग यह सोच सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे कॉसेक है, तो कॉसेक का और एक फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा। और यहाँ पर देखिए कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है ना। मैं यहाँ अगर लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप सबको पता होगा कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है आपका 1 माइनस साइन थीटा। और आप सबको ये भी पता होगा कि कॉट थीटा जो होता है वो होता है आपका कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर दिए और ये होल ब्रैकेट में स्क्वायर था। अब ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा हम लोगों का, तो देखिए यहाँ पे ये जो साइन साइन है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ हम लोग को मिल जाएगा 1 माइनस कॉस का स्क्वायर। और नीचे देखिए, काम करता हूँ मैं, अगर आप सबको कंफ्यूजन होगा इसीलिए मैं इसको अभी नहीं करता हूँ, मैं एक स्टेप आप लोगों के लिए और बढ़ा देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से हो गया। अब जो स्क्वायर है, तो ऊपर का स्क्वायर मैं ऊपर रख दूँ अगर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इस प्रकार से, और नीचे में यहाँ पे क्या हो जा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों को क्या लाना था, 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे में यहाँ पे है 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे में तो हम लोगों के पास में साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग इसको भी तोड़ दे, और एक बात मैं यहाँ पे और एक चीज़ बता दूं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर आपके मन में अभी सवाल होगा कि सर इसको कैसे ऐसे लिख सकते हैं, तो देखिए जिस प्रकार से ए स्क्वायर अगर होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए इंटू ए ना, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते है? तो उसी प्रकार से जब ये वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो क्या इसको हम लोग दो बार इस प्रकार से नहीं लिख सकते, ए माइनस कॉस थीटा और ए माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। तो बस यहाँ पर हम लोग वही किए, 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर फिर 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय, अब नीचे में ये जो साइन स्क्वायर थीटा था ये वाला, इस जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर से देखिए, आप सबको ना फॉर्मूला सब मालूम होना चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कुछ इस प्रकार से है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, a प्लस बी और a माइनस बी। कैसे, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, a प्लस बी दैट मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस
कॉस थीटा, तो बस यहाँ पे वही मैं करने वाला हूँ। ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा था और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा था। अब नीचे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब देखिए ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है और ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है सेम वैल्यू है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर फिर सवाल आपके मन में आ रहा होगा कैसे कौन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखिए a इंटू ए है सपोज, और नीचे में आपके पास में c इंटू ए है, तो क्या ये a और ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पे दोनों सेम था तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और हम लोगों के पास में क्या बचा, a माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय a माइनस में बोल रहा हूँ सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आपका हो गया ना प्रूव्ड, मतलब LHS का वैल्यू RHS के साथ बराबर हो गया ना, 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाला देखेंगे हम लोग। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए हम लोग को लाना ये वैल्यू है ना, और हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार यहाँ पे सॉल्यूशन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है ना, अगर इसको सिंपल हम लोग सॉल्व करें जैसे रेशनल नंबर का सम किया जाता उस प्रकार से, तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि आप सबको ये पता है ना रेसिप्रोकल का मतलब फ्रैक्शन नंबर जैसे था ना 1/2 प्लस 1/3, तो क्या होता है कि इनका एलसीएम निकालना पड़ता है ना। जैसे कि इसका देखेंगे तो 6 होगा, फिर क्या होता है कि इसको इससे हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं ना, जैसे कि ये 6 है तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो फिर ये 3 को क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ये आना चाहिए आपको है ना, इतना नॉलेज आपको होना ही चाहिए। तो अब यहाँ पे भी हम लोग कुछ इसी प्रकार से किए हैं, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या बचा है, क्या आया, दोनों का एलसीएम लिए हम लोग, किसका एलसीएम लिए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का, तो क्या हुआ ये आपस में क्या हुआ मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या होगा कि अब देखिए इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ये नीचे में जो न्यूमिनेटर के साथ में, दैट मीन्स इसके साथ में हम लोग डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन ए के साथ में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा कॉस ए बचेगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे कॉस ए है हमारे पास और एक कॉस ए आ गया, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना। मैं करके बता देता हूँ मगर मैं आपको डीप अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि क्योंकि सब बच्चे नहीं समझ पाते ना, मैं सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर देखिए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए है ना, तो अब क्या होगा ये कॉस नीचे में जो ये कॉस है इसके साथ में ये डिवाइड हुआ, इसके साथ हम लोग इसको क्या किया डिवाइड करेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो गया और क्या बचेगा ये बचा। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ में, ऊपर में जो 1 प्लस साइन ए है इसी के साथ में, तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू है, और नीचे यहाँ पे हमारे पास क्या है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब आगे कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए है ना, तो अगर यहाँ पे मैं इसको ओपन कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 ठीक है 2 साइन ए, और उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या है कॉस ए और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए
अब फिर गौर से देखिएगा तो अगर मैं एक जगह इसको लेके आ जाऊँ, जैसे हमारे पास यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है प्लस साइन स्क्वायर ए है, फिर प्लस टू टू क्या वन है, यहाँ पे वन है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे टू साइन ए है ना, और नीचे में यहाँ पे कॉस ए और वन प्लस साइन ए है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आप गौर से देखिएगा इसको, अगर मैं रेड से अंडरलाइन कर दूँ तो इनको देखिए, इनको खाली देखिए, इनको देखने से आपके मन में क्या ख्याल आना चाहिए कि आपको एक फार्मूला याद आना चाहिए। कौन सा फार्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू वन होता है। तो यहाँ पे भी वही है ना, साइन स्क्वायर थीटा मतलब ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इन दोनों के जगह में यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वन लिख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास पहले से वन है और फिर प्लस, फिर ये आपका आ गया टू साइन ए और होल डिवाइडेड बाय, और नीचे में हमारे पास है कॉस ए और यहाँ पे वन प्लस साइन ए। अब देखिए क्या होगा, वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है, टू साइन ए है, फिर यहाँ पे क्या हो गया कॉस ए वन प्लस साइन ए है ना। अब यहाँ से टू हम लोग अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, वन प्लस साइन ए और यहाँ पे कॉस ए और यहाँ पे वन प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा, ये साइन ए और ये साइन ए कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ तो ये बचेगा टू बाय कॉस ए। अब टू बाय कॉस ए देखिए कुछ इस प्रकार से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, टू इंटू वन बाय कॉस ए। तो आप सबको एक फार्मूला और मालूम होना चाहिए कि वन बाय कॉस ए जो होता है वो होता है आपका सेक ए। तो देखिए हमारा ये प्रूफ हो गया ना, यही चीज़ हम लोग को लाना था, ठीक है। आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा प्रूफ। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके बुक में ही हिंट दिया हुआ है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ ए साइन थीटा एंड कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे जो दिया गया है इसको साइन और कॉस थीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर देने के लिए बोला गया है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे LHS लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास है टेन थीटा वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा होल डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन थीटा। अब इसको साइन और कॉस थीटा में हम लोग अगर चेंज करेंगे, साइन और कॉस में, तो क्या हो जाएगा, देखिए टेन थीटा इजिकल टू क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए, टेन थीटा इजिकल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इजिकल टू होता है आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहाँ पे उसी प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, टेन थीटा का जगह में मैंने लिख दिया साइन थीटा बाय कॉस थीटा और वन माइनस कॉट थीटा का जगह में मैं लिख दूंगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये कुछ इस प्रकार से है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा है ना, और फिर प्लस यहाँ पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा है ना, और ये आपका डिवाइड में है और ये आपका है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था मगर मैं उसको पूरा तोड़ तोड़ के कर रहा हूँ ताकि आपको हर एक लाइन क्लियर समझ में आए। अब यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा
इनटू में होगा तो ये साइन थीटा ऊपर हो जाएगा और नीचे में यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में रख दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर प्लस यहाँ पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा इनटू होगा तो क्या होगा, कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जा रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को समझना होगा कि यहाँ पे जो चीज़ है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वाला लाइन। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, वो आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो क्या है, वो आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना। तो अगर यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा कि ये प्लस माइनस यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला वैल्यू है कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन थीटा, ऐसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए हम लोग ने माइनस को बाहर ले लिया, तो ये जो माइनस थे प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में था माइनस हो जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको भी दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे ऐसा करने से होगा क्या, जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों सेम है। और ऊपर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे हमारे पास जो है ये हो जाएगा आपका साइन क्यू थीटा माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस क्यू थीटा। ये काफ़ी यहाँ पे लंबा हो रहा है, देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए क्योंकि यहाँ पे फिर वही वाला फंडा जो एलसीएम वाला फंडा है कि ये पूरा का पूरा वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये साइन थीटा जो हो रहा है ये साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हम लोगों को साइन स्क्वायर साइन क्यू थीटा मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जब होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा वैल्यू तो ये वाला वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो बच जा रहा है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ में, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ में। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉस क्यू थीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कॉस क्यू थीटा मिल जाएगा। अब यहाँ पे फिर आपको एक फार्मूला का ज्ञान होना चाहिए, और वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू इजिकल टू ये होता है आपका ए माइनस बी, ये होता है आपका ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है, ये क्या है, ये आपका फार्मूला है। तो अब इस फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुटअप करेंगे। तब यहाँ पे देखिए जगह तो बच नहीं रहा है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ठीक है यहाँ पे मैं बना देता हूँ, बाद में फिर इसको हम लोग मिटा देंगे, मैं मिटा दूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको तोड़ूँगा तो ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस साइन थीटा, अच्छा साइन थीटा मैं क्यों लिख रहा हूँ, हाँ थीटा ही है ना, कहीं ये तो नहीं था ना, नहीं नहीं ये नहीं था, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, और फिर प्लस यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद ब्रैकेट, एंड देन नीचे में हमारे पास क्या था, तो नीचे में हमारे पास क्या था भैया, नीचे में हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर ब्रैकेट में यहाँ पे था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था। तो अब देखिए गौर से, ये और ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा
और फिर ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। आप गौर से देखिएगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन हो जाएगा, तो हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब नीचे में यहाँ पे हमारे पास है साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको अगर अलग अलग कर दें हम लोग तो ये हो जाएगा वन बाय साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या हो जा रहा है, ये और ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को वन मिल जाएगा। मगर यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, देखिए वन बाय साइन थीटा क्या होता है, वन बाय साइन थीटा होगा आपका सेक थीटा, ये सॉरी कॉसेक थीटा। वन बाय साइन थीटा क्या होगा आपका कॉसेक थीटा और वन बाय कॉस क्या होगा सेक थीटा और ये हो गया प्लस वन। और हम लोग को प्रूफ क्या करना था, हम लोग को प्रूफ करना था वन प्लस सेक थीटा कॉस थीटा। ठीक है, हम लोग का प्रूफ हो गया है। अब इसी चीज़ को मैं वन को आगे लिख दूँ तो कोई दिक्कत है, वन यहाँ लिख देता हूँ मैं और कॉसेक थीटा और सेक थीटा को मैं यहाँ लिख देता हूँ तो ये भी प्रूव्ड हो गया। आई होप ये थोड़ा लंबा था मगर आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में क्या करना है, यहाँ पे ना आपका LHS और RHS को अलग अलग करके इक्वल दिखाना है। ठीक है ना, यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे LHS लेता हूँ वन प्लस सेक ए बाय सेक ए। तो अभी आप सबको पता होगा कि सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, वन बाय कॉस ए होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बदल दें अगर तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे वन प्लस वन बाय कॉस ए होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा वन बाय कॉस ए। ठीक है, अब उसके बाद ये कॉस ए प्लस वन बाय कॉस ए ठीक है और होल डिवाइडेड बाय वन बाय कॉस ए है। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए प्लस वन बाय कॉस ए और ये जो होल डिवाइडेड बाय मतलब ये डिवाइडेड का साइन है और फिर यहाँ पे वन बाय कॉस ए है। तो अब यहाँ पे देखिए कॉस ए प्लस वन बाय कॉस ए और डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में साइन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस ए ऊपर चल जाएगा तो कॉस ए कट जाएगा और ओवरऑल हम लोग को क्या मिल जाएगा कॉस ए प्लस वन मिल जाएगा। ठीक है ना, अब यही चीज़ यहाँ पे मैं LHS के लिए करूँगा या तो नीचे में, ठीक है यहाँ साइड में तो जगह यहीं कर लेते हैं, आपका RHS के लिए RHS तो RHS साइड में क्या था साइन स्क्वायर ए बाय वन माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर का जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर का जगह में हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय वन माइनस कॉस ए। और अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो यही वाला फार्मूला का यहाँ पे मैंने यूटिलाइज किया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप फिर से गौर करिए, ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जा रहा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस प्रकार से खोल देंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए लिख देते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। उसके बाद में यहाँ होल डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस ए है
तो देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच गया, वन प्लस कॉस ए। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि भाई एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन होल डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, और हम लोगों को लेके आना है कॉस ए और कॉट ए। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन होल डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि साइन ए से यहाँ पे मैं लिख दूँ ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए से डिवाइड करने पे क्या होगा, हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइडेड बाय साइन ए हो जा रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन डिवाइडेड बाय साइन ए हो गया। अब ये हो जाएगा आपका कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस वन बाय साइन ए, है ना। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए और उसके बाद में माइनस वन बाय साइन ए। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया आपका कॉस बाय साइन मतलब हो जाएगा कॉट ए, और ये कट के हो गया वन और यहाँ पे प्लस वन बाय साइन, तो वन बाय साइन क्या हो जाएगा कॉस ए के हो जाएगा, फिर ऐसे। और फिर यहाँ पे क्या हो जा रहा है कॉस बाय साइन मतलब ये हो गया आपका कॉट ए प्लस यहाँ पे हो जा रहा है वन, और फिर यहाँ पे क्या हो जा रहा है ये आपका वन बाय साइन है तो माइनस ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक ए। ठीक है ना, अब फिर इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन होल बाय कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू वन होता है। मतलब यहाँ पे जो वन है इसके जगह में हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस यहाँ पे हम लोग कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे में कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए वैसे ही रहने देता हूँ मैं। अब यहाँ पे तो ये पेज मेरा देखिए ख़त्म हो गया है, एक काम करता हूँ मैं, ठीक है इसको अगर मैं छोटा कर दूँ अब इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जगह बन गया है, तो अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो अब देखिए गौर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे cot a प्लस cosec a माइनस, अब यहाँ पे फिर ये वाला फार्मूला, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, जो कि क्या होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। तो यहाँ पे इसी तरह से इसको हम लोग तोड़ देंगे, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा cosec a माइनस cot a, प्लस कर देता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट, और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका cosec a माइनस cot a, ठीक है ना। और फिर नीचे में यहाँ पे हमारे पास क्या है, cot a माइनस, सजा के मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे cosec a प्लस वन है, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे रेड कलर ले रहा हूँ, देखिए ये चीज़ यहाँ पे और ये चीज़ यहाँ पे सेम है, तो यहाँ हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं cot a प्लस cosec a बाहर ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ बचेगा वन इसका जगह में, और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, और ब्रैकेट में यहाँ क्या बच रहा है आपका cosec a माइनस cot a बच रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब इसको हम लोग और थोड़ा से ध्यान से सॉल्व करें, तो यहाँ बाय में रहेगा ये ला, क्या था बाय में, नीचे में cot a माइनस cosec a प्लस वन, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका cot a प्लस cosec a ब्रैकेट में, और यहाँ पे वन माइनस cosec a प्लस cot a, है ना, और होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे cot a माइनस cosec a प्लस वन। तो ये दोनों सेम है, देखिए यहाँ पे एक माइनस में cosec और cot प्लस में है और वन है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा cot a प्लस cosec a। और देखिए हम लोग को यही लाना था ना, यहाँ पे देखिए cot a प्लस cosec a, मतलब आप प्लस है तो इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ था cosec आगे था ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग cosec को आगे कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना cosec a प्लस cot a, बात तो एक ही है। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, PROVED प्रूव्ड हो गया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने का आवश्यकता हम लोग को पड़ेगा नहीं, हम लोग सिंपल रेशनलाइज कर देंगे अगर आर एच एस को, तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे एल एच एस साइड में हम लोग को क्या दिया हुआ है, वन प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन ए, ठीक है। अब हम लोग रेशनलाइज करेंगे इसको, तो कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे वन प्लस साइन ए ब्रैकेट में है, यहाँ पे माइनस में, तो यहीं पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे वन माइनस साइन ए। देखिए यहाँ पे ये जो था ना, इसका साइन मैंने चेंज कर दिया और इसी को ही ऊपर नीचे हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपका वन माइनस साइन ए था, तो यहाँ पे वन प्लस साइन ए, और यहाँ पे भी वन प्लस साइन ए, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं तो मैं अभी बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए क्या होता है ना, कि मान लीजिए कि हमारे पास में 5/2 है सपोज, है ना, तो इंटू ये क्या है, वन है ना, इंटू क्या है, ये वन है। अब इस जगह में मैं अगर ऐसे लिख दूँ 5/2 इंटू 5/5, तो कोई दिक्कत होगा क्या, क्यों, क्योंकि देखिए ये वन जो है इसको काटने पे भी तो वन हो जाएगा, और ये वन है तो ये नंबर बदलेगा क्या, कोई भी नंबर को अगर वन से मल्टीप्लाई करते तो वही नंबर आ जाता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली जब भी हम लोग को रैशनलाइज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार से कर देते हैं, ठीक है ना, ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, लिखते सेम वैल्यू लिखते ताकि वो कटेगा तो वन आ जाएगा, ठीक है ना।
तो अब देखिए क्या हुआ, ये हो जा रहा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जा रहा है। अब आगे हम लोग इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जा रहा है, देखिए ये हो गया 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाय, फिर देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, मतलब ये आपका फॉर्मूला बन जा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इस जगह में हम लोग ये फॉर्मूला का यूटिलाइज कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट इसको कॉस स्क्वायर ए, है ना। और अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं रूट को अलग अलग कर दूँ तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर बाय यहाँ पे रूट ओवर कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे ये और ये कैंसल आउट हो गया है और ये कैंसल आउट हो गया है। तो अब मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए बाय नीचे में क्या मिल गया मेरे को कॉस ए। अब इसी को अलग अलग हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस ए और माइनस यहाँ पे क्या हो जा रहा है साइन ए बाय कॉस ए, तो ये क्या हो जा रहा है देखिए 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 1 बाय कॉस ए है ना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जा रहा है, ये आपका हो जाएगा सेके, और यहाँ पे कहीं पे साइन में कुछ गड़बड़ की है क्या, हम देखिए यहाँ पे साइन में मैंने कुछ चेंज कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये आपका क्या होगा, ये प्लस है, ये भी प्लस होगा, सॉरी वो प्लस नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे ये प्लस होगा आपका, क्योंकि ये प्लस था, यहाँ पे ये प्लस होगा, यहाँ पे ये प्लस होगा, तो यहाँ पे जो साइन है प्लस होगा और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही हम लोग को प्रूफ करना था ना, हमारा RHS में यही वैल्यू था और हम लोग यहाँ लेके आ गए, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते कि आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को टेन थीटा करना है, मतलब हमको क्या चाहिए, भी है साइन बाय टेन, साइन बाय कॉस चाहिए, ये दिमाग में हम लोग आना चाहिए। अब यहाँ पे ये कैसे आ सकता है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ RHS, और उसके बाद में एक बार इसको मैं लिख देता हूँ साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा होल डिवाइडेड बाय टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अगर साइन थीटा को कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और फिर यहाँ पे भी अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा को अगर बाहर ले जाए तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा, है ना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा आप सबको। उसके बाद में फिर यहाँ अगर मैं चेंज कर दूँ साइन थीटा, यहाँ पे छूट रहा है ना, यहाँ पे 2 होगा, हाँ ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस यहाँ पे 2 है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा का जगह में हम लोग लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, बात समझिए। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे हम लोग साइन का जगह में क्या लिख दिए, इसको लिख दिए, और आगे में 2 था हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, फिर यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैं वैसे ही रख दे रहा हूँ। अब फिर देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस, ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2,
ये माइनस है तो ये माइनस टू ही रहेगा, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। और इसको मैं ब्रैकेट में ही रख रहा हूँ, ब्रैकेट में ही रहना चाहिए, और यहाँ पे है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन है। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा, यहाँ पे वन माइनस टू क्या हो जाएगा, हम लोग को माइनस वन मिलेगा, और यहाँ पे प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा है, और फिर यहाँ पे साइन कॉस थीटा, कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है हमारे पास टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो अब यहाँ पे साइन थीटा, और इस चीज़ को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं ना, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा, और ये आपका टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये और ये कैंसल आउट हो जा रहा है, और हम लोग को क्या मिल जा रहा है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो ये भी प्रूव्ड हो गया ना। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो लास्ट क्वेश्चन सिंपल है, यहाँ पे मैं पहले LHS ले लेता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक ए का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ देंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए और कॉसेक ए, ठीक है ना। फिर प्लस साइन, और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी तोड़ देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस टू कॉस ए सेक ए। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए, और कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन बाय साइन ए लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद में फिर प्लस साइन, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए इंटू ये हो जाएगा वन बाय कॉस ए, तो ये कॉस ए कट गया, टू बचा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये हमको क्या मिल जा रहा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली मैं पहले का कुछ किया हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ, और होगा ठीक है, हाँ ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है, इसको हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है आपका, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है ना। और फिर प्लस टू हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए वैसे ही रहेगा, और फिर सेक का रिलेशन टेन के साथ, मतलब ये हो जाता है आपका वन प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये फार्मूला है, और फिर प्लस टू, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करिएगा कि ये साइन स्क्वायर और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं वन लिख दूँ तो फिर प्लस वन मिल जाएगा, फिर ये आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस टू, और फिर यहाँ पे प्लस वन, फिर यहाँ पे प्लस
टेन स्क्वायर ए प्लस टू, ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिए, एक दो चार पाँच और सात, तो हम लोग को क्या मिल गया, सेवन प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। और देखिए यहाँ पे यही प्रूफ करना था, है ना। और एक बार मैं आपको बता दूँ, जहाँ जहाँ यहाँ पे चेंजेस हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कुछ फार्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए था, जिसको मैंने बदल के क्या लिख दिया, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। फिर यहाँ पे एक जगह में सेक स्क्वायर ए था और मैंने बदल के क्या लिख दिया, वन प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिया, ठीक है ना, है ना। और कहाँ पे चेंज हुआ, देखिए ये इसमें चेंज हो गया और यहाँ पे ये इसमें चेंज हो गया, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सबको ये सारा प्रूफ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।